यस हेलो एवरीवन, कैसे बच्चे? चलो शुरू किया जाए क्लास 12th लेक्चर नंबर 5 फॉर एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चे आपका प्यारा सा चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे हमने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है 12th स्टैंडर्ड का। बहुत सारे चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। इस समय चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, कौन सा? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड में इसका वेटेज देखेंगे बच्चे तो बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है ये। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं हम लोग आज। क्या है लेक्चर नंबर 5 में, तो मैं बता दूं आपको, जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन था बच्चे वही कंटिन्यू होने वाला है। लास्ट टाइम जो है मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कुछ कंटेंट मैंने बता दिए थे, आज उसी कंटेंट को मैं क्या करने वाला हूँ बच्चे, आगे लेके चलने वाला हूँ। तो लास्ट टाइम हमारा बी वाला जो टाइटल था वो कंप्लीट हो चुका था, आज हम बात करेंगे टाइटल नंबर सी, दैट इज फ्रॉम अल्काइल साइनाइड। तो नजरे बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं हमारा ये प्यारा सा जो जर्नी है, सफर है। ठीक है, चलो तो नंबर सी टाइटल बच्चे ध्यान देना, नंबर सी टाइटल क्या है? फ्रॉम अल्काइल साइनाइड। अब इस अल्काइल साइनाइड का एक और नाम होता है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है भाई, हाउ विल यू प्रिपेयर एल्डिहाइड या कीटोन जो भी बोलेंगे, उसको हम नाइट्रिल के नाम से भी जानते हैं, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं फ्रॉम नाइट्रिल, ताकि आपको पता चले कि अल्काइल साइनाइड को ही नाइट्रिल्स बोला जाता है। ठीक है, अब इस सी के अंदर नंबर वन रिएक्शन होना, जरा ध्यान देना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, स्टेफन रिएक्शन। कौन सा बच्चे? स्टेफन रिएक्शन, ध्यान देना जरा, ये स्टेफन रिएक्शन, ये अपने आप में एक रिडक्शन होता है, और इस रिएक्शन में बनेगा क्या, तो मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, मतलब आपका टेंशन ही खत्म कि इस रिएक्शन में क्या होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चे? फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड होने वाला है, मतलब इस पूरे प्रोसेस में एल्डिहाइड बनता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? चलो अब ये स्टेफन रिएक्शन में होता क्या है, चलो मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं। ये एक तरह का रिडक्शन होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सब बताने वाला हूं। नजरे बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरफ, ये रहा आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, बच्चे इसको बोलते हैं अल्काइल साइनाइड। इसमें आपने क्या किया, रिडक्शन मिला दिया, तो आपने क्या किया बच्चे, एच ले लिया, इसके साथ में आप क्या लेते हो, एच सी एल लेते हो। ठीक है, और ये जो एच सी एल होता है बच्चे, ये एक्चुअल में आप मिलाते हो एस एन सी एल टू के साथ में, तो कैटलिस्ट में मैंने एस एन सी एल टू लिया, ये जो एच सी एल लिया ना मैंने, वो कहीं ना कहीं एंड में मैं बाहर भी निकाल दूंगा, ध्यान देना, किसी और के साथ में। चलो तो ये रहा मेरे पास अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड का बच्चे मैं क्या कर रहा हूं, रिडक्शन कर रहा हूं, मुझे टू एच यहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अल्काइल साइनाइड का बच्चे मैं रिडक्शन कर रहा हूं अलोंग विद हाइड्रोजन क्लोराइड। अब होता क्या है कि ये जो दो एच दिख रहा है बच्चे, इसका एक एच इस एन के पास और इसका एक एच इस सी के पास जाता है, तो कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं आयमाइन। क्या बोलते हैं बच्चे? आयमाइन बोलते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस समय ये कंपाउंड पूरी तरह से स्टेबल है, मतलब कि एन के पास कहीं ना कहीं एक लोन पर इलेक्ट्रॉन बचा होगा, क्योंकि हमेशा एन जब कंप्लीट फॉर्म में होता है, मतलब कि उसकी वैलेंसी पूरी कंप्लीट है, तब उसके पास एक लोन पर इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक लोन पर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं। ठीक है, अब रहा ये एच सी एल, तो ये क्या करेगा, एन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इस एच को देगा, बोलेगा भाई मेरे साथ आके बॉन्ड बना, तो ये इलेक्ट्रॉन यूज हो गया और ये क्या करेगा, इस एच के पास आ जाएगा। जैसे ये नाइट्रोजन के पास या हाइड्रोजन आएगा, वैसे ही एन के वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, कितनी हो गई, 1 2, ये हाइड्रोजन 3, ये हाइड्रोजन 4, और ये अगर डिस्टर्ब होगा तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, और जब ये प्लस चार्ज आएगा तो इसी किसी माइनस को बुलाएगा, सीएल आपको दिखाई दे रहा है माइनस है, मतलब यहाँ पे सीएल भी आ जाएगा माइनस के फॉर्म में चलेगा, तो ये प्लस माइनस से क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये प्लस माइनस मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। तो बच्चे इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया फिर, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आयमाइन हाइड्रोक्लोराइड, दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रो हो गया और ये हो गया क्लोराइड। कोई डाउट है बच्चे किसी को, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेफन रिएक्शन में आप कैसे याद रखेंगे, स्टेफन से स्टेनस याद रखना, इसका नाम है स्टेनस क्लोराइड। तो बेसिकली होता क्या है, देन अल्काइल साइनाइड अंडरगोज ऑन रिडक्शन अलोंग विद हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड, याद रखना, इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड, इसको टीन बोलते हैं, TIN, तो स्टेनस क्लोराइड, देन इट गिव्स आयमाइन हाइड्रोक्लोराइड। क्लियर है? अब क्या करूंगा मैं, अब एसिड हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, मतलब इसमें मैं पानी मिलाने की बात कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चे। तो ये रहा मेरे पास H2O, मैंने मिला दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+, तो ये दिख रहा आपको HCl बच्चे, ये पूरा का पूरा यहां से टर्म, जरा चेक करो क्या बाहर जा रहा है, यहां से ये पूरा बाहर चला गया, क्या बाहर चला गया बच्चे, ये H+ क्या करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ता है, तो जिसकी वजह से ये NH4Cl बाहर चला गया, और फाइनली जो मेरा आंसर होगा वो क्या बनेगा, RCH और ये O।
क्या बन गया बच्चे, आर सी एच ओ, दैट इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड। तो बच्चे क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। सबको रिएक्शन प्रोडक्ट क्लियर है, हर एक बच्चे को रिएक्शन समझ में आ रही है। अब मैं बात करने वाला हूं इसके एग्जाम्पल की, ठीक है। तो स्टेफन रिएक्शन क्या होता है सबको समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर वन लेते हैं, आर की जगह पे मैं सी एच थ्री ले लेता हूं। चलो दिखाता हूं मैं आपको। तो ये रहा मेरे पास सी एच थ्री, सी ट्रिपल बॉन्ड एंड, इसमें मैंने क्या किया बच्चे, टू एच मिला है, रिडक्शन करना होता है मुझे। और इसमें मैं एच सी एल मिलाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एस एन सी एल टू, इसको मैंने हीट किया, यहां से एक एच इसके पास, एक एच इसके पास, तो आंसर बन जाएगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड एन एच, आगे ये एच सी एल वैसे का वैसे अटैच हो जाएगा, चलेगा। इसका जो नाम होगा बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग नाम होता है, दो कार्बन है, दो कार्बन का नाम क्या होगा बच्चे, इथेन। तो ये इथेन का स्पेलिंग ये होता है। अब ई हटा दो, इसके जगह पे आय माइन लगा दो, तो इथन अमाइन हो गया, ये क्या हो गया, इथन अमाइन, चलेगा। आगे आपको पता है क्या होने वाला, हाइड्रोक्लोराइड, तो इथन अमाइन हाइड्रोक्लोराइड। अब इसमें क्या मिलाएंगे बच्चे, इसमें मिलाने वाले हैं एच टू ओ, मैं पूरा नीचे लिखता हूँ, एच टू ओ मिलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ का दो एच और वहाँ का पूरा एन एच टू सी एल बाहर जाएगा और आंसर बन जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ, और ये बाय प्रोडक्ट आपका बाहर चला गया, जिसको अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे एसीटल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है बच्चे, इसका बहुत सारे नाम है, मैं दो तीन नाम आपको लिखाता हूँ यहाँ पे। पहला नाम हो सकता है प्यारा सा नाम मिथाइल साइनाइड, जो आपको दिखाई भी दे रहा है। दूसरा एक नाम होगा जब सी एच थ्री यहाँ पे होगा बच्चे आर जाएगा, तो इसको एसीटो बोलते हैं, तो एसीटो नाइट्रिल के नाम से भी नाम होता है इसका। तीसरा एक और नाम हो सकता है, दो कार्बन का अल्किन बनता है इथेन और एन मतलब नाइट्रिल, तो इसका एक और नाम हो सकता है इथेन नाइट्रिल, तो इथेन पूरा लिखो आगे नाइट्रिल लगा दो, कन्फ्यूज मत होने कि सर ये नाम कहाँ से आया, आयुपैक नेम है बेसिकली ये, चलेगा। तो कोई कन्फ्यूजन है मैं हट जाता हूँ, ताकि आप आसानी से अपने नोट्स में एंट्री कर सको, हर एक चीज को समझ सको, क्लियर है बच्चे। चलो एग्जाम्पल नंबर टू ले लेता हूँ, बेंजिल रिंग से रिलेटेड, ठीक है, वो भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजिल डिहाइड, दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगा, बहुत ईजी है। मैं हट जा रहा हूँ, आप आसानी से पॉज करके आराम से नोट्स में एंट्री कर लो। चलो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर टू की तरफ। क्या है एग्जाम्पल नंबर टू, मैं सिर्फ एग्जाम्पल नंबर वन रफ कर रहा हूँ, क्योंकि जनरल पार्ट को देख के आप एग्जाम्पल नंबर टू बना सकते हो। तो मैं बच्चे एग्जाम्पल नंबर टू क्या लेने वाला हूँ, बेंजीन रिंग लेने वाला हूँ, मतलब आर की जगह पे बेंजीन रिंग लेने वाला हूँ। देख लो जरा यहाँ पे कैसे होगा, किस तरह से डील करेंगे इसके साथ में, बहुत ईजी है, दिखाता हूँ मैं आपको। चलो शुरू किए बच्चे, एग्जाम्पल नंबर टू क्या है, एग्जाम्पल नंबर टू दिखा रहा हूं आपको मैं। एग्जाम्पल नंबर टू में बच्चे आर की जगह पे मैं बेंजीन रिंग ले रहा हूं, आपकी चॉइस है, चाहे तो आप बेंजीन रिंग के फॉर्म में बनाओ या सी सिक्स एच फाइव पहनेंगे तो भी चलेगा, मैं रिंग बना देता हूं, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने रिंग, डबल बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में आपको लगाना होता है। ये रहा सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसका नाम क्या होगा बच्चे, दो नाम इसके भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहला नाम जो आप जानते हो फिनाइल साइनाइड, ठीक है, एक और नाम बनेगा इसके लिए बेंजो नाइट्रिल, ठीक है। तो ये आपके लिए नया नाम है, ये भी नाम याद रखो आप, बेंजो नाइट्रिल के नाम से ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये। प्लस आपने क्या क्या रिडक्शन कर दिया, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मिला दिया और इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड आप ले रहे हो, दो एच एक एन के पास एक सी के पास, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके लिए आयमाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके लिए बेंजीन रिंग, यहाँ पर आ जाएगा सी एच डबल बॉन्ड एन एच और इसमें अटैच कर दिया मैंने एच सी एल, तो आप सिंपल सिंपल लिखेंगे आयमाइन हाइड्रोक्लोराइड, चलेगा बच्चे। क्या मिलाने की बात हो रही है, एच टू ओ मिलाने की बात हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस, यहाँ से ये पूरा टर्म क्या होगा बच्चे, बाहर जाएगा, बॉन्ड एच प्लस क्या करेगा, तोड़ देगा। तो आपको जो आंसर मिलेंगे वो आंसर कुछ ऐसा मिल जाएगा, देख लो जरा यहाँ पे, ये जो आपको फाइनली आंसर मिलेगा बच्चे वो कुछ ऐसा मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेंजिल डिहाइड, क्या बोलते हैं, बेंजिल डिहाइड बोलते हैं, दिखाई दे रहा है सबको। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा बेंजिल डिहाइड, सबको दिखाई दे रहा है बच्चे, कोई कन्फ्यूजन है किसी को, कहीं पर भी कोई डाउट है, चलो तो फटाफट एग्जाम्पल नंबर टू भी अपने नोटबुक में एंट्री कर लो, बहुत ही अच्छे चैप्टर से डील हो रहा है, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारा चल रहा है प्रिपरेशन नंबर सी फ्रॉम अल्काइल साइनाइड, जिसके अंदर नंबर वन स्टेफन रिएक्शन बच्चे यहाँ पे खत्म हुआ, क्लियर है। अब ये स्टेफन रिएक्शन जो दिखाई दे रहा तुम्हें, इसी का एक अल्टरनेटिव रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्शन सेम होगा थोड़ा सा माइनर चेंजेस है। तो स्टेफन अगर आप नहीं करते हो तो उसके ही जैसा एक और रिएक्शन कर सकते हो, मतलब सिर्फ कैटलिस्ट चेंज करना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। तो स्टार मार्क करके इसी के अंदर
सी में वन, वन के अंदर ही मैं स्टार मार्क करके लिखूंगा अल्टरनेटिव मेथड, मतलब अल्डिहाइड बनाने का अल्काइल साइनाइड से रिडक्शन कर अल्टरनेटिव मेथड, चलेगा? दिखाता हूँ बच्चे, दिखाता हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ, ये मैं जरा रफ कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा पिक्चर समझ में आए आगे क्या होने वाला है। आगे बच्चे हम एक रिड्यूसिंग एजेंट लेने वाले, एक नया रिड्यूसिंग एजेंट आपके लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मैं, जिसका नाम है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो कंपाउंड मैं बोल रहा हूँ बच्चे, ये अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये सामने वाले को नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, आप ऐसे बोल सकते हो, और पैटर्न सेम होगा बच्चे, अल्काइल साइड में आप वापस रिडक्शन करने वाले हो, माइनर चेंजेस हुआ है, बहुत ही माइनर चेंजेस, दिखाता हूँ मैं आपको, चलेगा? तो स्टार मार्कर के आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टार मार्कर के लिखने वाले हो अल्टरनेटिव मेथड, सेम अल्डिहाइड बनाने का दूसरा मेथड बाय यूजिंग अल्काइल साइनाइड, दिखाता हूँ मैं आपको, चलो तैयार हो जाओ फटाफट। तो ये रहा आपका स्टार मार्क, अल्टरनेटिव मेथड दिखाई दे रहा है बच्चे, अल्टरनेटिव मेथड क्या है, अल्टरनेटिव मेथड दिखा रहा हूं मैं आपको, अल्टरनेटिव मेथड में ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बाय यूजिंग डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये उसका शॉर्टकट है, एरो पे बहुत जगह पे ये लिखा होता है, बहुत जगह पे कुछ और फॉर्म में भी लिखा होता है, वो भी मैं दिखाता हूं एरो पे क्या लिखा होता है। तो ये रहा मेरे पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको हम बोलते हैं अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। इसमें मैंने क्या किया बच्चे, 2H मिला दिया, ये 2H आता कहाँ से, रिड्यूसिंग एजेंट के यहाँ से आता है, जिसका नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एल्युमिनियम हाइड्राइड पे एक्चुअल में क्या अटैच है बच्चे, आइसोब्यूटाइल अटैच है, कितनी बार अटैच है भाई, दो बार अटैच है, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या, एक्चुअल में एल्युमिनियम जनरली तीन बॉन्ड बनाता है, आपको दिखाई दे रहा है, तो एक बॉन्ड तो उसका एच से मिल गया, और ये दो जो रहेगा बच्चे वो आइसोब्यूटाइल कंपाउंड आप क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, क्लियर है? तो इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल आपको पता है क्या होता है, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, ये कैटलिस्ट की मदद से आप इसको सॉल्व करने वाले, तो ये दो एच क्या होगा बच्चे, एक यहां जाएगा दूसरा यहां जाएगा, तो आंसर जो होगा मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा, आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, इसको मैं बोलूंगा भाई ये सिर्फ और सिर्फ आयमाइन बन रहा है, क्या बन रहा है, आयमाइन बन रहा है। अब इस आयमाइन में आप क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O मिलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, पानी मिलाने वाले हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो होगा क्या यहां पे, इस एसिड की वजह से ये डबल बॉन्ड टूटेगा, मतलब यहां से NH और यहां से H2O क्या बाहर चला गया, NH3 बाहर चला गया, और फाइनली आंसर क्या बन गया, RCHO बाहर चला गया, ये बन जाएगा आपके लिए NH3, दिखाई दे रहा है बच्चे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया आपके लिए, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा अल्डिहाइड, क्लियर है? एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं इस अल्टरनेटिव मेथड के अंदर, आर की जगह मैं CH3 ले रहा हूं, जो फेमस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनरली अल्काइल इसमें डाला जाता है, ठीक है? तो ये रहा मेरे पास 2H, ये रहा एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल, चलेगा? आंसर आर की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चे, देखो जरा, आर की जगह पे CH3 आ गया, तो आर की जगह पे CH3 CH डबल बॉन्ड NH प्लस आप इसमें करेंगे H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आंसर बनता हुआ नजर आएगा CH3CHO और बाहर जाएगा NH3 अमोनिया, इसका नाम क्या हो गया बच्चे, इसका नाम हो जाएगा एसिटल डिहाइड, क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको पता है इसका नाम मिथाइल साइनाइड होगा, या फिर एसिटोनाइट्रिल भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे इसका नाम मैं बोल सकता हूँ इथेनामाइन। कोई कंफ्यूजन एग्जाम्पल नंबर वन में, कोई डाउट है बच्चे किसी को भी, एग्जाम्पल नंबर वन में कैसे हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर वन, एक और एग्जाम्पल लेने वाला जो अनसैचुरेटेड अल्काइल साइनाइड होने वाला है, ठीक है? और सेकंड एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल नंबर टू चांसेस बहुत ज्यादा होंगे बोर्ड एग्जाम में आने के, बच्चे ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर टू जो इसका होने वाला अल्टरनेटिव मेथड का, ठीक है? दिखाता हूं आपको कैसे होने वाला है, ये रफ कर दूं मैं, ये रफ कर दूं बच्चे, एग्जाम्पल नंबर वन में रफ कर रहा हूं मैं, हट जाता हूं जल्दी से, नोट्स में एंट्री कर लो, चलो इतना टाइम बहुत है आपके लिए, जनरल पार्ट रहने देता हूं ताकि आप उसी को देख के थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे चीजें हो रही हैं। तो एग्जाम्पल नंबर जो टू हो रहा है बच्चे, उसको जरा ध्यान से देखो कैसे डील करेंगे एग्जाम्पल नंबर टू से, बहुत ईजी है। इस बार मैं लेने वाला हूं अनसेचुरेटेड अल्काइल साइनाइड, मतलब कि जो अल्काइल होगा बच्चे वो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड वाला अल्काइल होने वाला है, दिखाता हूं नाम कैसे आएगा, क्या लिखेंगे, सब कुछ बता रहा हूं, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है?
तो हम लेने वाले हैं 5 कार्बन जिसके 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है। चलो आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल नंबर टू 5 कार्बन ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। इसके 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो 1 कार्बन देखना होता है 1, 2, 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बाकी के वैलेंसी पूरा करने आपको आना चाहिए बच्चे। ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपको पता है साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो सी एन एक फंक्शन ग्रुप है जो कि सी एन के साथ में अटैच होगा, सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन की वैलेंसी पूरा करें फटाफट, बेसिक इन्फॉर्मेशन है भाई। एक कार्बन अगर एक बॉन्ड लेके चल रहा है तो मतलब उसके पास कितना बॉन्ड कम हो रहा है, 4 में से 3 बॉन्ड कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इसका नाम अगर लिखना हुआ मुझे तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब पेंट के 1, 2, 3 नंबर पे इन और आगे लगा देंगे नाइट्रिल, तो पेंट डैश 3 डैश इन नाइट्रिल इसका नाम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बाकी सारी चीज आपको पता है क्या करना है बच्चे। तो ये हो गया 2H, कंडीशन भी लेंगे डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा इसको यहाँ पे कंप्लीट करेगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, चलेगा। अब इसमें क्या करेंगे बच्चे, इसमें H2O मिलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से क्या बाहर चला गया, यहाँ से NH3 बाहर जाएगा, और आंसर जो है नीचे मैं बनाता हूँ आंसर, मेरे ख्याल से कुछ कटेगा तो नहीं ऐसा सोच रहा हूँ मैं। डबल बॉन्ड CH CH2 CHO और ये NH3 बाहर, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 कार्बन से पेंट बन जाएगा। 1, 2, 3 नंबर पे इन अटैच है और ई रिप्लेस बाय AL, तो पेंट डैश थ्री डैश इनल ये शायद कट रहा है मेरे ख्याल से, तो मैं थोड़ा सा जरा साइड में नाम लिख लेता हूँ इसका ना, जो नाम है बच्चे मैं यहाँ पे ऐसे करके यहाँ लिखता हूँ ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पेंट डैश थ्री डैश इनल, क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो बोलना, कोई कन्फ्यूजन है बच्चे किसी को तो बोलना मुझे। पेंट डैश थ्री डैश इनल ये इसका नाम बन जाएगा। कोई डाउट है किसी को, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था ये अपने आप में ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से पॉज करके नोट्स में एंट्री कर लीजिए। चलो तो इस तरह से बच्चे हमारा अल्टरनेटिव मेथड खत्म हुआ, और इस तरह से हमारा जो सी का वन था, वन मतलब स्टेफन रिएक्शन वाला पार्ट, ऊपर खत्म हो गया। ये स्टेफन नहीं है बच्चे, अल्टरनेटिव मेथड इज नॉट ए स्टेफन रिएक्शन, स्टेफन सिर्फ वही था लेकिन वैसा ही रिएक्शन ये भी दिखा रहा है, इसलिए उस नंबर वन के अंदर ही मैंने इंट्रोड्यूस किया इसको। चलो सी का टू शुरू करते हैं, क्या है सी का टू दिखाता हूं मैं आपको। सी का टू मतलब वो भी अल्काइल साइनाइड से ही बनेगा नो डाउट, लेकिन इस बार पैटर्न बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है दिखा रहा हूं मैं आपको। तो इस बार बच्चे क्या होने वाला है कि इस बार जो अल्काइल साइनाइड है उसमें आप मिलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और जब अल्काइल साइनाइड में आप ग्रिग्नार्ड मिलेंगे बच्चे तो बनने वाला आंसर होगा कीटोन। मतलब टाइटल में क्या आएगा आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि टाइटल में मुझे क्या लिखना है, दिखाता हूं बच्चे टाइटल में क्या लिखा है, रेडी कर लो फटाफट अपने आप को ठीक है, एकदम रेडी पोजीशन में आ जाओ। मैं बात कर रहा इस समय सी का टू देख लो, यहां पे सी का टू क्या होगा बच्चे, तो सी का जो टू है बच्चे वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बच्चे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब ऑलरेडी आपने सी में टाइटल लिखा है फ्रॉम अल्काइल साइनाइड, तो एक बात तो क्लियर है कि अल्काइल साइनाइड में ग्रिग्नार्ड मिलाना है मतलब मुझे, और इसमें किस रिएक्शन के लिए होता है, तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ कीटोन के लिए, तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। किसके लिए होता है बच्चे ये रिएक्शन, कीटोन के लिए होता है। अपने आप में ये छप गया पेपर में, कंफर्म क्वेश्चन लिख लो, ये बोर्ड एग्जाम में बच्चे हर दूसरे तीसरे साल में एक बार रिपीट होता है, पिछली बार शायद नहीं आया था, चांसेस होंगे इस बार पूछने के। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन ऑफ कीटोन क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले जनरल पार्ट से बात करते हैं। ये रहा मेरे पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन अल्काइल साइनाइड, और ये रहा मेरे पास ग्रिग्नार्ड जिसको मैं डैश के फॉर्म में दिखा रहा हूं आर एम जी एक्स। जब भी ग्रिग्नार्ड से आप डील करेंगे कंडीशन में ड्राई इथर लिखते हैं ताकि वो हाइड्रोकार्बन न बना पाए, तो ये हो गया मेरे पास ड्राई इथर। अब क्या करना है बच्चे, एम जी होता है आपका पार्शियल प्लस, यहाँ पे नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज दिखाएगा, तो मतलब ये एम जी एक्स पूरा का पूरा यहाँ से टूटेगा और किसके पास जाएगा, एन के पास जाएगा, जो आपने अल्डिहाइड कीटोन में अगर आपको याद होगा बच्चे अल्कोहल चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बनाते हो बाय यूजिंग अल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड, इस चैप्टर में भी आने वाला है केमिकल रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड प्लस आपको अल्डिहाइड का रिएक्शन, वही सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना है। तो जो लोग साइड बाय साइड अल्कोहल चैप्टर देखे होंगे ठीक है, उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक देखे तो उनको ये रिएक्शन बहुत जल्दी समझ में आएगा।
कि कैसे हो रहा है। तो एम जी एक से आर से टूटा, किसके पास जाएगा बच्चे, एन के पास जाएगा, तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा, आर, देखते चलो, सी, फिलहाल मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा रहा हूँ, एन से अटैच हो गया एम जी एक्स, मुझे पता है कि एन सिर्फ तीन बॉन्ड बनाता है, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ से रिड्यूस होगा, जब ये बॉन्ड रिड्यूस होगा तो कार्बन के वैलेंसी डिस्टर्ब, कार्बन कितना बना रहा है, वन टू थ्री, मुझे तीन बॉन्ड चाहिए, नहीं मुझे चार बॉन्ड चाहिए बच्चे, तो ये आर क्या करेगा, उसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये वाला आर यहाँ पे आ गया। इसको हम बोलेंगे फिलहाल कि भाई ये कहीं ना कहीं आयमाइन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चे, आयमाइन, दिखाई दे रहा डबल बॉन्ड एन है तो आयमाइन, और एक बहुत सारा अटैचमेंट वाला कंपाउंड है तो उसको हम बोलते हैं आयमाइन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं किसी को भी। चलो अब इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो ये रहा मेरा पानी, इन प्रेजेंस ऑफ नीचे दिखा रहा हूँ मैं आपको, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, पानी मैंने ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब होता क्या है, एम जी को मिल गया ओ एच माइनस, एम जी एक्स तो पूरा का पूरा बाहर निकल गया, एम जी एक्स, इसके ऊपर ओ एच आ गया, जैसे ये बाहर जाएगा वैसे एन इसके साथ में जाएगा, तो एन जो है बच्चे अपनी वैलेंसी कंप्लीट करके जाएगा, मतलब एन अकेले तो जाएगा नहीं, तो एन जो है इस एच को ले लेता है, लेकिन एन एच को कितना लेगा, थ्री टाइम्स, क्यों, क्योंकि एन जो होता है बच्चे वो तीन बॉन्ड बनाता है, तो एन एच थ्री बार चला गया। अब टोटल अमाउंट ऑफ जरा एच भी देख लेते हैं कितना हुआ, एक एच यहाँ पे यूज हुआ, तीन एच यहाँ पे हुए, तो थ्री प्लस वन कितना हो गया, फोर एच, जबकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा सिर्फ दो एच, मतलब मैं दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टेंशन ही खत्म। अब क्या हो गया, अब एच तो परफेक्ट हो गए, एक एच यहाँ पे, तीन एच यहाँ पे, चार एच यहाँ पर भी चार एच, लेकिन ओ का सीन हो गया, ओ यहाँ पे कितना है टू, मैंने कितना ओ यूज किया वन, इसका मतलब एक ओ आएगा इस सी के पास और वही मेरा आंसर होगा, दैट इज कॉल्ड एज कीटोन। दिखाई दे रहा है बच्चे, थोड़ा सा स्टाइलिश दिख रहा है लेकिन बच्चे है कीटोन, डरना मत बिल्कुल, ये कीटोन नहीं है बच्चे, डरना मत, सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। इसका नाम क्या, मैं लिख देता हूँ एक चीज़ को समझा देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम है अल्काइल साइनाइड, इसको हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चलेगा। कोई डाउट है बच्चे किसी को भी कहीं पर भी तो प्लीज बोलो। अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर वन, क्या है एग्जाम्पल नंबर वन, दो एग्जाम्पल दिखाएंगे मिनिमम, पहला एग्जाम्पल जनरल एलिफेटिक के लिए, दूसरा एग्जाम्पल दिखाएंगे एरोमेटिक के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर वन मैं ले रहा हूँ एलिफेटिक के लिए, जरा ध्यान देना, ये है मेरे पास सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसमें मैंने मिला दिया सी एच थ्री एम जी बी आर, नाम की बात करेंगे तो आप जो भी लिखो, मैं फिलहाल एक लिखता हूँ एसीटो नाइट्राइल, चलेगा। इसका नाम पूरा होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या होगा बच्चे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक चीज़ को समझो बहुत ईजी लगेगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब क्या होगा, अब आप कंडीशन पे लेंगे ड्राई इथर, कोई डाउट नहीं भाई, ड्राई इथर ले लिया मैंने, ये कीटोन जरा हटा देता हूँ तो आप कन्फ्यूज होंगे, ठीक है, ये कीटोन यहाँ लिख देता हूँ मैं। चलो तो एसिटोनाइट्राइल में मैंने मिला दिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर वन, इसके बेस पे एग्जाम्पल नंबर वन ले रहा हूँ, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है बच्चे कि एम जी बी आर जाएगा एन के पास, क्योंकि यहाँ पे सी एस थ्री जो है बच्चों पूरी तरह से नेगेटिव नहीं होता है, अभी एम जी तो प्लस है, इसके साथ में वो क्या बनाता है जनरली, अगर आप देखेंगे तो कोलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर एम जी यहाँ से टूटेगा और एन के पास जाएगा तो एन के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, तो एम जी वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, आगे अटैच हो गया एम जी बी आर, अब इस सी के नीचे क्या अटैच हो जाएगा सी एच थ्री, कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई और पूरा का पूरा कंपाउंड भी बन गया, क्या बन जाएगा बच्चे, आयमाइन कॉम्प्लेक्स। एक जनरल नाम बस लिखना, इसके नीचे कुछ लिखना नहीं तुम्हें ज़्यादा, आयमाइन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें मिलाएंगे क्या, तो इसमें मिलाएंगे वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या मिलाएंगे बच्चे, वाटर मॉलिक्यूल मिलाएंगे, किसके प्रेजेंस में मिलाएंगे, ऑफकोर्स एसिड के प्रेजेंस में मिलाएंगे। तो अब होता क्या है कि यहाँ से इस वाटर को मैं ब्रेक करके लिखूँ आपके लिए ज़्यादा समझ में आएगा, एच ओ एच, तो होता क्या है कि यहाँ से ओ एच और यहाँ से एम जी बी आर बाहर चला गया, तो ये देखो बायर प्रोडक्ट में क्या बन गया, बायर प्रोडक्ट में ये बन जाएगा बी आर, यहाँ पे ओ एच बन गया। अब क्या होता है, ये नाइट्रोजन इस एच के साथ बॉन्ड बनाएगा, पर आपको पता है कि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है तो बन जाएगा एन एच थ्री, टोटल अमाउंट ऑफ एच कितना होगा फोर, तो आपने यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दिया, अब एक एक्स्ट्रा ओ बच गया, ओ आ जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे आंसर कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा जिसको हम बोलते हैं एसीटोन, क्या बोलते हैं बच्चे, एसीटोन। कोई कन्फ्यूजन है जरा देख लो फटाफट, समझा दो अपने आपको कि भाई एसीटोन कैसे बना, कोई डाउट है तो बोलना मुझे, क्लियर है, एकदम पिक्चर क्लियर है बच्चे, एकदम क्लीन नीट समझ में आ रहा है हर एक चीज़। चलो एग्जाम्पल नंबर टू समझाता हूँ, कोई डाउट है तो बोलना मुझे, कोई डाउट नहीं है, मैं हट जाता हूँ जल्दी से, पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप आसानी से नोट्स बना लो। चलो एग्जाम्पल नंबर टू की बात करता हूँ, अच्छा कैमरा थोड़ा सा हिल गया मेरे ख्याल से, चलो कोई बात नहीं है। चलो तो एग्जाम्पल नंबर टू की बात कर रहा हूँ बच्चे, नहीं नहीं जनरल पार्ट मैंने रफ के, इसका मतलब नहीं कि आप टेंशन लेने की जरूरत है, एग्जाम्पल नंबर टू आप बिना जनरल पार्ट का भी लिख सकते हो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है सफिशियंट, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, दिखाता हूँ मैं आपको। चलो एग्जाम्पल नंबर टू क्या है, ध्यान दो बच्चे,
एग्जाम्पल नंबर टू में मैं इस समय दोनों आर की जगह पे बेंजीन रिंग लेने वाला हूँ, मतलब मैं लेने वाला हूँ बेंजोनाइट्रिल और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर टू क्या लेने वाला हूँ बच्चे, दोनों की जगह पे, मतलब जो दोनों आर मुझे दिखाई दे रहे उन दोनों आर की जगह पे मैं लेने वाला हूँ बेंजीन रिंग, एग्जाम्पल नंबर टू। क्लियर है, चलो दिखाता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर टू में पहला कंपाउंड मैंने ले लिया, ये रहा मेरे पास बेंजीन, आप बॉन्ड लगाओ या सर्कल बनाओ, सब वैलिड है। इसका नाम होता है बेंजोनाइट्रिल, जो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, आपका थोड़ा भला हो जाएगा। इस कंपाउंड में मिलाएंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या मिलाएंगे बच्चे? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है सर, इतने बड़े बड़े नाम लिख रहे हो। अरे जनरल पार्ट जो बताया था बस उसी से मैच कर रहा है बच्चे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिखाई दे रहा है, चलो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और ये रिएक्शन सब होता है ड्राई इथर के प्रेजेंस में, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब होगा क्या, यहाँ से एम जी बी आर टूटा, वो जाएगा सीधा एन के पास, जैसे एन के पास जाएगा तैसे आपके सामने एक ऐसा कंपाउंड बनता हुआ नजर आएगा कि भाई ये बेंजीन रिंग है, उससे एन अटैच है, सी के थ्रू एन अटैच है, तो ये रहा बेंजीन रिंग जिसपे सी के थ्रू एन अटैच है, जो कि ट्रिपल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि आगे उसके एक और बॉन्ड मिल गया एम जी बी आर का, कार्बन की वजह से डिस्टर्ब हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए एक बेंजीन रिंग आ जाएगा, जो कि ग्रेनाइट वाला बेंजीन रिंग है, तो कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अब इस बड़े कंपाउंड को हम बोलेंगे भाई ये आयमाइन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्या बन रहा है? ये अपने आप में आयमाइन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। आप क्या करेंगे, अब इस आयमाइन कॉम्प्लेक्स में आप ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल। दिखाई दे रहा है बच्चे? दिखाई दे रहा है? बाकी चीज आपको पता है, दो से मल्टीप्लाई, एम जी बी आर का बाहर निकलना, ठीक है, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे बी आर, फिर यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन रिंग। ध्यान देना किस चीज को समझते चलो, ये बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ, फिर इससे भी अटैच होगा बेंजीन रिंग, इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम होता है, क्या हो जाएगा बच्चे? बेंजोफिनन। और आपको पता है कि एन, एन और एच जब निकलेंगे तो बन जाएगा एन एच थ्री। कोई डाउट है? कोई डाउट है? दो से मल्टीप्लाई क्योंकि आपको पता है, इसे मैं सिखा चुका हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर टू बच्चे यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और इस तरह से जो हमारा नंबर सी टाइटल है उसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैंने क्या किया बच्चे, आसानी से कंप्लीट कर लिया। तो कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी चलेगा। तो फिलहाल के लिए बच्चे, फिलहाल के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तब इस प्रिपरेशन को मैं और आगे लेके चलूंगा, ठीक है। प्रिपरेशन अभी और थोड़ा सा बचा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चे। अगला लेक्चर मतलब छप्पर फाड़ लेक्चर होने वाला, क्यों भाई? हर लेक्चर छप्पर फाड़ होता है, लेकिन अगला लेक्चर ऐसा लेक्चर होगा जो कन्फर्म क्वेश्चन होगा बोर्ड में, कन्फर्म क्वेश्चन होगा। तो मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में, जब तक आप फटाफट इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, आपको पता है क्या होने वाला अगला डालो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।